नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता सतीश पॉल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत निर्णय सोचा होगा, लेकिन आसाम के सीएम सहित चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़ा किया है। देखिए, जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घुसपैठिया यहाँ झारखंड में कौन लोग कर रहे हैं, आप देखें कि जब से हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड में आ रहे थे, ये लोग हमेशा आते हैं यहाँ झारखंड में तोड़ने के लिए आते, जुड़ने के लिए तो आते नहीं है। अब देखेंगे चंपई दा को जिस तरह से सीधे साधे विचार, सीधे साधे एक इंसान को किस तरह से बरगला करके तोड़ने का काम किया, और राजनीति के में जो इतना साल का राजनीतिक जीवन था उनका, किस तरह से उनको बरगलाने का काम किया, तो साफ साफ दिख रहा है यह झारखंड घुसपैठिया कौन लोग थे और किस तरह से लोग जोड़ तोड़ की राजनीति। भाजपा की एक आदत रही कि हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, ये सीधे मुद्दों पर बात नहीं करते, ये सीधे लोगों के समस्याओं का निदान की बात नहीं करते, ये समय हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। तो हमें लगता है कि इसे आने वाला दिन में झारखंड में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और झारखंड की जनता साफ जानती है कि इनके इरादों को, इनके मंसूबों को झारखंड की जनता साफ जानती है कि ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये लोग जब भी करेंगे तो तोड़ फोड़ के राजनीति करेंगे, समाज में विवाद फैलाने का काम करते रहेंगे।